अजय देवगन और शाहरुख खान जितने ऊंचे हैं उनकी सोच उतनी ही नीची है। पैसों के लिए ये एक्टर्स किसी की भी जिंदगी खराब कर सकते हैं, किसी को भी गलत मैसेज पहुंचा देते हैं। अजय देवगन और शाहरुख खान को बुरी तरीके से स्लैम किया है एक्टर मुकेश खन्ना ने। मुकेश खन्ना ने ये बात उस संदर्भ में कही है जिन ब्रांड्स को अजय देवगन और शाहरुख खान प्रमोट करते हैं। जाहिर सी बात है, विमल को अजय देवगन प्रमोट करते हैं बोले जुबां केसरी। पिछले कई सालों से अजय देवगन विमल के ब्रांड एम्बेसडर है, जिसके तहत कई एड्स भी बने हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हैं। इन्हीं एड्स और होर्डिंग्स और इन्हीं ब्रांड्स को लेकर मुकेश खन्ना ने कहा है, बोले जुबा केसरी ऊंचे लोगों की पसंद, मैं यूं ही नहीं बन जाता, आई एम मैन ऑफ ऑल सीजंस। क्या है ये सब, लोगों को भ्रमित करने का खतरनाक रास्ता, हानिकारक वस्तुओं को नाटकीय ढंग से दुष्प्रचार करना, कोई नहीं रोकता इन्हें, न खाने वाला, न प्रचारक और ना ही सरकार, किसके बाप का क्या जाता है। कुछ इस तरह से मुकेश खन्ना ने इस टाइटल के साथ अपना एक वीडियो शेयर किया है जो उन्होंने अजय देवगन और शाहरुख खान को लेकर बनाया है, क्योंकि जहां शाहरुख खान रजनीगंधा को प्रमोट करते हैं वहीं अजय देवगन विमल को। अपने इस वीडियो में मुकेश खन्ना ने बताया है कि किस तरह से हमारे आसपास कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, लेकिन उसके बावजूद सरकार उन्हें मंजूरी दे देती है। मैं शराब, सिगरेट और तंबाकू की बात कर रहा हूँ। इसके आगे मुकेश खन्ना ने कहा कि सरकार से ज्यादा हैरानी मुझे उन एक्टर्स पर है जो अपना चेहरा देकर इन हानिकारक वस्तुओं को प्रमोट करते हैं। वेल, ये नई बात नहीं है जब हमने किसी एक्टर को कोई इस तरह का प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए देखा है। बड़े बड़े स्टार्स ये काम कर चुके हैं। इनफैक्ट अगर बात करें अक्षय कुमार की, तो भले ही वो शराब नहीं पीते हैं, वो नशे से दूर रहते हैं, बट एक टाइम पर उन्होंने भी एक तरह की शराब को प्रमोट किया था। हालांकि जब इन चीज़ों के एड्स बनते हैं तो इन्हें प्रीमियम वाटर कहा जाता है, रॉयल वाटर कहा जाता है, और नीचे एक छोटी सी वार्निंग भी लिखी जाती है, लेकिन प्रोडक्ट इतना बड़ा होता है और स्टार इतना बड़ा होता है कि उस छोटी सी वार्निंग का कोई असर नहीं पड़ता है। इनफैक्ट अगर वार्निंग बड़ी भी कर दी जाए तो भी बिक्री पर कोई असर नहीं होता है। यह हमने सिगरेट और तंबाकू के पैकेट्स पर देखा था कि किस तरह से जब इनके पैकेट्स पर जो वार्निंग का पिक्चर है उसका परसेंटेज बढ़ा दिया गया, पिक्चर्स बड़े कर दिए गए, उसके बावजूद गुटखा खाना और सिगरेट पीना लोगों ने नहीं छोड़ा। वेल, मुकेश खन्ना ने जो सवाल उठाया है उससे आपको क्या लगता है कि अगर सेलिब्रिटीज इस तरह के ब्रांड्स को प्रमोट करना छोड़ देंगे तो क्या वाकई में नशा करने वालों की कमी आएगी? क्या अगर फिल्मों में ड्रिंक करना, स्मोक करना, नशा करना अगर नहीं दिखाया जाएगा तो उसका असर लोगों पर पड़ेगा? क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।